इस साइड में हमारे ना खेत चल रहे हैं, दिस इज 152D। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ खेतों में क्या उग रखा है, देखो उधर देख लो। बेशक लो भाई, सुहाना सफर शुरू होते हुए चंडीगढ़ से दिल्ली। भाई पंजाब में इतने प्यारे प्यारे खेत है, ये देखो, वाओ वेरी नाइस। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज के व्लॉग में भाई जो चीज मैं मिस करता हूँ गुड़गांव में दिल्ली में, वो ये है कि खेत हमारी साइड कम रह गए। पंजाब साइड देखो कितने खेत है। वाओ, दिनेश जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश जी कैसे हैं आप? हेलो, राम राम। मायरा जी भी हमारे साथ में, अभी तो इन्होंने शायद एयरपोर्ट लगा रखे हैं, निकाल रखे हैं, निकाल रखे हैं। मायरा जी भी हमारे साथ में, इनसे आप कल मिले होंगे, सबसे महंगे मेकअप आर्टिस्ट हैं यहाँ के। और हमारे साथ वो कहा है, पुनीत का है आपका साथी? नहीं है, वो हरियाणा वालों के साथ बिजी है आज। उसको रात को कोई हरियाणा वाला मिल गया और वो चला गया उसके साथ। वो खुश है, खुशी मैटर करती है एटलीस्ट ना, मैट लास्ट खुशी मैटर करती है, वो खुश है। अभी निकल लिए भाई हम वापस अपने होम टाउन, इनको जाना है दिल्ली, हमें जाना है गुड़गांव। तो पहले हम पहुंचेंगे, वैसे तो पहले तो ये पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे हाँ KMP से जाएंगे ना हम, पहले हम पहुंचेंगे। तो फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पे कोई रोड गूगल मैप नहीं दिखा रहा, जिस रोड से हमने जाना था पहले, तो हम कोई दूसरे रास्ते पे हैं अब, जिसमें अम्बाड़ा नहीं आ रहा, पर खेत आ रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर। इसमें भी खुश हैं हम भाई, ध्यान से ना, ये थोड़े ब्लाइंड कट है थोड़े यहाँ पे। मायरा जी, दिनेश जी की ड्राइविंग कैसी लग रही है आपको? तीन चार बार सर लगा शीशे में, भेड़ कभी उधर गिर गई, दो बार जीरो। और दिनेश भाई की प्रतिक्रिया क्या कि ढीला मत बैठो, टाइट बैठो, टाइट। कह रही टाइट कैसे बैठते हैं, बेल्ट लगा रखी है पीछे वाली भी, अभी लगा रखी है, अभी उतारी है, पहले लगा रखी थी। तो निकल लिया भाई अपने, चलते हैं फिर, जय बाबा गया भाई, ओके भाई। भाई ये क्या सही चीज चल रही है हमारे साथ में, ये देखो इसमें तैर सके ना। हाँ भाई, भाई नहर चल रही है हमारे साथ में, वाह यार, पंजाबी नहर है ये। भाई ये कैसे रोड पे आ गए हम, इधर की साइड पीला पानी, एक साइड पानी ना, मोटरसाइकिल। वाह, गाड़ी का नंबर कितना प्यारा भाई, देखो 2001 तभी की गाड़ी है, मॉडल भी 2001 की है मॉडल है ये। खुशी करके बंदे खुश हो गए आऊ करके, ये लो भाई ट्रक वापस जाते हुए, बाय बाय। इस साइड में हमारे ना खेत चल रहे हैं, दिस इज 152D। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ खेतों में क्या उग रखा है, देखो उधर देख लो। बेशक अनाज उग रखा है। ओके भाई, हमें तो पता ही नहीं था इसमें अनाज उग रखा है, हमें लगा मोती वोती है। बताओ ना, कम नहीं होते अनाज है तो सब है, मोती की कौन सा अनाज है खाने वाला बता दे। गेहूं आटा जवार, येलो वाला क्या है ये, येलो वाला कैरी गेहूं आटा जवार ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल नहीं है, मस्टर्ड है ये, बनेगा ना भाई। कौन सी कैसी हो रखी है, प्रोसेसर बता देते कि क्या क्या भाई, बताओ क्या उग रखा है, कौन सा ये क्या उग रखा है तुम्हें? गेहूं, सरसों और तो ये दिख रही है भाई, वो वाला गाना गा दो, वैसा देश है मेरा। हाँ भाई, वाह यार, अभी अभी बात चल रही थी कि भाई गांव की जिंदगी इज सो बेटर देन सिटी की लाइफ। तो इनका ड्रीम है कैसे घर में रहने का, वहाँ पे मैं तो कैमरा ऑन होती तो बात। आप तो एक्टर हो, कैमरा के तो आर्टिस्ट हो आप। अरे मतलब एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ ऐसे, रियल। अच्छा रियल वाला। बिग बॉस कैसे करा फिर आपने? वो तो पता ही है ना तुम्हें फिर। We were on the same page. हम और तुम सेम ही पेज पे थे। Exactly. मैं बहुत मस्त था भाई। अगर देखना। हाँ। ऐड कर दी एडवर्टाइजमेंट। इसमें रहने लग जाओ आप। पर मतलब it's very nice. पर इसके आगे पीछे और जंगल होना देखना। भाई इधर कहाँ जा रहे हो? अरे वो तो नहीं, वॉशरूम। अच्छा। वॉशरूम इधर कुछ खाने कोने का भी, पेट्रोल पंप पे खाने का मिल जाएगा कुछ? ओके मैन भाई, समोसा खाने खाने है क्या? समोसा है तो समोसा है, सामान है इस पे तो मस्त है। शेरे पंजाब चल रहा है बंदा, स्टार हाईवे। बोल जल्दी, बोल जल्दी भाई, क्या हालत कर दी दिनेश भाई ने गाड़ी की, देखो भगा भगा के। काली पे तो चलो ये हाल हो सके, सफेद में क्या हुआ, ये भी ठीक है।
भाई घर पे आए और तुम मेरी तकलीफ समझ रही हो। तकलीफ पता है क्या है कि मैं घर पे, मेरा फोन कहाँ दूसरा, मैं घर पे रुक ही नहीं पा रहा, निकल जाना है अब। मम्मा सी टाइप अडेप्टर है क्या एक और? तुम पे तो बड़े है रे। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी स्ट्रगल समझा रहा था पब्लिक को ना अपनी कि गाइस मैं अपने घर नहीं रुक पा रहा, इतनी स्ट्रगल भरी जिंदगी, मेरी मम्मी मेरे को छोड़ देगी भाई। छोड़ चुकी या फिर? छोड़ चुकी, ये देख लो छोड़ चुकी। अब आई नीड नई मम्मी, फार्म निकल रहे नई मम्मी के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितनी भी मम्मियाँ देख रही हैं जिन्हें मेरी मम्मी बनना भैया भर दो, कृपा करके भर दो सारे जितने भी हो सके। मेरी मम्मी बड़ी परेशान है, ये हाथ वाली ले लेगा तेरे हाथ में दर्द रहे। मशीन में तो ठीक होंगी क्या? मैं इस मशीन पर बैठा तू आजकल तो इसे बेच देते हैं, इसे काम करते हैं, इसे कबाड़ी में दे देते हैं। जस्ट किडिंग भाई साहब, मेरे कपड़े कपड़े छह मानस तो उठ ही जाएगा, तू तो सात मानस बराबर है भाई। मेरी मम्मी जो है ना एक सेकंड रुकना, मेरी मम्मी 20 भैंसों का दूध पीती है, मोटे बता दे तू लावे। अरे तू खुद मंगावे पी जावे भैंस 20 भैंसों का, मोटे बता दे आज अपनी डाइट करा, आज बता दे आज भाई। सब पूछा भाई आपकी मम्मी इतनी फिट कैसे है, एब्स कैसे है मम्मी के, शोल्डर वोल्डर कैसे बन रखी हैं? तो एक गिलास भी ना पीऊं, जब भी दूध डालू ना गिलास में, जब प्यास लगी हो पानी पी के फिरेंगे ना जो। ये कैसा आंसर है मोटे? हाँ सच्ची में, कितने टाइम बाद मिल रहे हो आप व्लॉग में, देखो कितनी सुंदर लग रही है शक्ल मेरी ना। कोई दिक्कत नहीं भाई, अब अलविदा कहने का टाइम आ गया, बैग हमारा पैक है, थोड़ी देर के लिए आया मम्मा, इट्स ओके, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बांडिया, इट्स ओके, मेरे बिना दिल लगा लेना अपना, मैं अभी कुछ लगा पड़ा है, मस्त रहूं मैं तो। तुम अपनी ये से प्रॉपर्टी दान तो ना कर दो की हो तो घर ही ना रहे, तुम कहीं आश्रम में डोनेट तो ना कर दो। तीसरे दिन आवे भाई, अब लोग मैंने दिखे हैं इंसानों ने घर फैला पड़ा रहा, अभी सारा ने यू ही लेके आया है ठीक है, और लोग बना के भाग जाओगे, बच्चे ने सोचे आंटी का घर ऐसा ही पड़ा रहा, पीछे जाके देखे करो मेरा घर, मत आया करो भाई ना मत आया करो ये देखने आ जाएंगे कि घर दिखाओ साफ है। हैं इस कूड़े कबाड़े में पड़ी रहूं मैं, कुछ कूड़े कबाड़े में ना पड़ी रहे मोटे, अपने आप को कूड़ा कबाड़ा मत समझ, तू अच्छी है भाई, कोई मेरी मम्मी तो कूड़ा कबाड़ा नहीं कहेगा भाई। और मोटे और 20 भैंसों का दूध पीवा है तू, और बताइयो और अभी क्या बात चल रही थी इससे पहले? कुछ भी ना चल रही, इससे पहले वाली कुछ तो बात चल रही थी, जल्दी बता यार। दिलवा मेरे याद नहीं यार, मेरे तो दिमाग से निकल गई अभी अभी, जिस पे मैं कुछ कह रहा था, जिस पे आप अभी कुछ कह रहे थे, इससे पहले क्या बात चल रही थी? भैंस की चल रही थी, भैंस के बाद मैं रह लूंगा तेरे बिना बांडिया, उससे पहले इतना दिमाग ना है मेरे अंदर। अरे कुछ तो तेरी कसम कुछ तो चल रही थी, जिस पे मैंने कुछ पॉइंट मारा था अभी तेरे ऊपर, भाई दिमाग तो निकल गया हमारे तो, पर कोई बात ना, चलो फिर है, चल मेरी तो उम्र होली, तेरी तो तू तो जवान है, तू ही तो कब है ना मैं बुढ़ी हो चुकी, तो तू है ना क्यों है फिर कम दिमाग कर अंदर जवाब दे कर जा, कम दिमाग हूं ना, जवाब भी नहीं मेरे पे अपना नहीं है, मैं निकलूं भाई, और ठीक है जी, है फिर बाय, एक्शन जाओ भाई, बीच में से निकल जाओ। ओ शिट शिट शिट, एक बार दोबारा करते हैं, कोई नहीं ये फायर है इसी में से कर लेते हैं, अरे वो कोई चीज पकड़ के उठा के उसको गिराना यार। गाइस सुबह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा हो रही है हमारी। दिनेश भाई इधर आ जाओ ना आप, उधर कहाँ कैमरा घुमाऊंगा मैं, भाई तुम भी इधर ही रहो पास ही, इतना हाथ मेरा उस साइड ना घूम ला रहा, मेरे इस साइड तक जा रहा है ये, और ये जयपुर से भाई बंधु आ रखे हमारे, और साथ में ही जा रहे हैं हम लोग, अभी नहीं बताएंगे डेस्टिनेशन कहाँ है क्योंकि ये व्लॉग आज ही आएगा। भाई आपको पता हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं भाई, नहीं ना पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई चाय पे चर्चा का आज का टॉपिक हमारा ये है, एक सेकंड बाल हटा लूँ ये मेली गो भाई। हाँ वो तो है तेरे अंदर अरे मैं कह रहा हूँ उन सही चीज है, गलत चीज है, गलत है, गलत बात भाई, मेली को गलत है सही है, दो अलग अलग है, कई तो दो टाइप के होते हैं, एक इनबिल्ट होते हैं, भाई तो डेफिनेशन दे लगा साइंस वाले, वो साइंस के मास्टर भाई मुझे ऐसा लगता है कि
जहाँ नेसेसरी हो वहाँ दिखानी चाहिए, और जहाँ नेसेसरी ना हो वहाँ भी थोड़ी बहुत दिख जावे। मेरे लिए वो तो वैसे नहीं दिखाई जाती, वो आप किसी के सामने दिखाई जाती है, मतलब आ जाती है वो, अपने आप आती है वो, दिखाई नहीं कभी कभी। अरे दिनेश भी गुस्सा गुस्सा और मेली को है कहीं कंबाइंड भाई? नहीं, अलग अलग चीज, अलग अलग चीज है। मुझे लगता सेम है कि गुस्सा आता इसलिए ईगो आती है। जैसे भाई कुछ कुछ लोग गुस्से में टीवी भी तो तोड़ देते हैं ना, वो मेली को है, वो आ जाता है। ये किन्ने बताई? तुमने बताई रात को। अच्छा, दिनेश भाई की बात बता दी मैंने सारी। दिनेश भी ऐसे मत क्या करो यार, टीवी होटल के। दिनेश भाई डेंजर आदमी है भाई, पर मम्मी का फोन आ रहा। आज के लिए भाई इतना ही ज्ञान मैं बता रहा हूँ, मेली को मेरे हिसाब से मेली को इज नेसेसरी वहीं पे जहाँ पे जरूरत हो शायद। बोल ही ना पा रहे हम तो कुछ भी। हम जा रहे हैं गाइस बैंगलोर भाई, जिसको नहीं पता हम स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। उधर बैंगलोर में जाके एक जूते की कंपनी खोल रहे हैं हम लोग, वो धीरे धीरे आपको डिटेल्स पता लगेगी। ठीक है भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।